ये एक ऐसी मूवी थी जिसको देखने के बाद अगर आप खाना खा रहे होंगे तो वो खाना छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि यार इसके अंदर ऐसे ऐसे सीन दिखाए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में, जो 2003 में आई थी और इसके बाद तो इसकी सीरीज ही आ गई थी, मतलब इतनी सारी मूवीज रिलीज की गई। और रॉन्ग टर्न की स्टार्टिंग की 3 मूवी काफी अच्छी है, लेकिन बाद की जो मूवी है वो एक तरीके से समझो उसमें खाना पूर्ति की गई है, उसमें कुछ नयापन नहीं है। जितना कुछ हमें देखना था वो पहली 3 मूवीज में हम देख चुके होते हैं, बाद में कुछ नयापन तो आता है नहीं। खैर छोड़ो हम उन सब चीजों को, हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। जैसे इसका नाम है रॉन्ग टर्न, भाई साहब बिल्कुल खरी उतरती है अपने नाम पे। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो यानी गलत रास्ता। गलत रास्ता आप कहीं पर भी लो भाई साहब वो खतरनाक ही होता है। और ये अपने नाम को जैसे जस्टिफाई कर रही है रॉन्ग टर्न, कुछ लोग अपनी जिंदगी मतलब की जिंदगी क्या, कुछ लोग जो है इस मूवी के अंदर एक गलत रास्ता ले लेते हैं, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और हेल्प के लिए वो जंगल में ही घूम रहे होते हैं। और जंगल में एक ऐसे घर में जाकर पहुंचते हैं जहां पर वो फ्रिज खोलते हैं तो उनको इंसानों के कटे हुए पार्ट्स मिलते हैं वहां पर, यानी अंग मिलते हैं। और केवल मिलते नहीं है, इनको देखकर ऐसे लगते हैं इनको खाने के लिए रखा गया है। और इनको खाने वाले जो इंसान होते हैं, ऐसे उन्हें इंसान नहीं कहना चाहिए, वो जीव हैं, लेकिन वो इंसानों के तरीके से, यार खैर मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं, वो इंसान हैं लेकिन उन्हें इंसान मत कहो यार, ज्यादा बेटर रहेगा। ये लोग ऐसे तो जो इंसानों का शिकार करते हैं और उनको मार कर खाते हैं। और यार भाई साहब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज देखी थी जिसमें इंसानों के अंग को खाया जा रहा है और वो भी खुद इंसान खा रहे हैं, तो बाहर दूसरे प्लेनेट से आए लोग नहीं थे ये। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा फैक्टर था इस मूवी के हिट होने का। अब यहां पर ये जो लोग आम लोग जो हेल्प मांगने आए थे इनके घर में, इन आदमखोर के घर में जो हेल्प मांगने आए थे, और ये हालत देखते हैं कि भाई साहब यहां पर ये लोग इन्हीं के साथी को खा रहे हैं, काट काट कर खा रहे हैं यार, ये जब ये देखते हैं तो इनकी हालत टाइट हो जाती है। अब वो कैसे इस सिचुएशन से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, देखो इस सब के लिए तो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी की सबसे बेस्ट चीज मुझे यही लगती है कि इसके अंदर कोई भी इन्होंने ऐसा नहीं है कि मारते काटते हुए दिखाया नहीं गया, जो इसकी रिक्वायरमेंट थी कि जैसे आदमखोरी को इंसानों को काट रहे हैं खा रहे हैं वो सारी चीज इन्होंने दिखाई है, एक एक हिस्सा कटते हुए दिखाते हैं यार, जिसको और ज्यादा भयानक बनाता है। मतलब इसको हॉरर इतना इतना ज्यादा इसके अंदर हॉरर डाल रखा है इन्होंने। और फिर इन आदमखोरों की जो शक्ल इन्होंने बनाई है यार, वो इतनी भयानक होती है उसको देखकर डर लग जाएगा यार, इतना ये तो इनकी हाइट इतनी ज्यादा दे रखी है और ये मरते भी इतनी आसानी से नहीं है। फिर ये जो आदमखोर है जिस तरीके से इंसानों का शिकार करते हैं, जो जो इन्होंने हथकंडे अपना रखे हैं काटने चाटने के, देखो ये मारते नहीं है ये काटते हैं, एक एक हिस्से को काटते हैं और बहुत बेरहमी से काटते हैं, तारों से कुल्हाड़ी से, यार मैं मतलब वो चीजें बताऊंगा यार। और आप जब ये मूवी देख रहे होगे ना, सच में आप अपनी आंखें बंद कर लोगे, इतने भयानक सीन आएंगे इसके अंदर। और रॉन्ग टर्न की जितनी मूवीज है उनके अंदर देखो एडल्ट सीन बहुत ज्यादा है और इसके अंदर वॉयलेंस भाई साहब इतना हद से ज्यादा और किसी मूवी में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और ऊपर से इतना ड्रामना तरीके से जैसे इन्होंने दिखाया है, तो ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चे इसको बिल्कुल ना देखें। दूसरी चीज ये तो उनके लिए भी नहीं है जो भाई साहब कमजोर दिल के हैं, जिनको मतलब किसी का एक उंगली कटते हुए भी ओहो उनकी उंगली कट गई, तो यार वो भी इससे दूर रहे, क्योंकि इसमें उंगली नहीं भाई साहब, पूरा का पूरा इंसान काट दिया जाता है और उसको खा लिया जाता है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10। अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसे लगी। और अब वो चीजें आती हैं कि भैया ये इंग्लिश में मिलेगी या हिंदी मिलेगी, देखो इससे कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके रिप्रेजेंट किया गया है हॉरर या फिर ये जो आदमखोर आपके सामने आते हैं, अब भूल ही जाओगे कि यार क्या बोल रहे हैं, बस आपको बस यही लगेगी यार ये जान बचाकर अपनी निकल जाएंगे लोग, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है डेफिनेटली उनको ये मूवी समझ आ जाएगी, और जिन्होंने नहीं देखे तो एक बार प्लीज चेकआउट जरूर कर लेना, शायद मुझे लगता है कि काफी सारे तो इसको हाफ में ही छोड़कर चले जाएंगे, जैसा मेरे साथ मेरे अपने दोस्त के साथ देख रहा था, वो इसको बीच में ही देखकर छोड़कर चला गया था। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।